हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऋचा पाठशाला। तो आज जो है हम क्लास 10th का चैप्टर 4 करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं पहले इंट्रो भी दूंगी एक्सरसाइज का। आज हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे इस वीडियो में पूरी, और एग्जांपल्स करेंगे जहां तक इस एक्सरसाइज तक, जहां तक जितने भी एग्जांपल्स हैं। वैसे दो एग्जांपल्स हैं, उन दोनों एग्जांपल्स को कवर करेंगे इस वीडियो में, प्लस 4.1 प्लस मैं आपको इंट्रो देने वाली हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, वो क्या है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो वो समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, आप ध्यान से समझना। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। जहाँ पे ए बी सी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ए बी सी कोई नंबर्स होते हैं। जो और मैं इस चीज़ को हाईलाइट करूंगी कि ए जो होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता। मतलब जहाँ पे ए बी सी तो नंबर होते हैं, हम ए की जगह कभी भी जीरो नहीं लिखेंगे। वो क्यों नहीं लिखेंगे वो भी समझेंगे। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने जो आपको बताई है इसका एक्सप्लेन करूंगी। मैंने आपको बोला ए बी सी के जगह कोई भी नंबर, ए बी सी कोई भी नंबर होते हैं, तो नंबर कोई भी पुट कर लेते हैं। जैसे ए की जगह मैंने पुट कर लिया 4 और एक्स स्क्वायर सेम रहेगा एज इट इज, प्लस बी की जगह 1 कर लो पुट, 1 कर लो या 2 कर लो, मैं 2 कर लेती हूँ, ठीक है। तो वो ज़्यादा सही रहेगा आपको समझाने के लिए, 2 पुट कर लिया, और सी की जगह भी कोई नंबर पुट कर लो लाइक 3। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ऐसे जो है हम ए बी सी की जगह हम कोई भी नंबर पुट करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसको समझाती हूँ मैं और डिटेल में। लेट कोई भी इक्वेशन, मैं एक चीज़ और बताऊँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर हाईएस्ट डिग्री कौन हो, 2 हो, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। बहुत बात हद तक समझ भी आ गई होगी, नहीं आई होगी तो अभी एक बार और समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम इक्वेशन लेते हैं, 3x स्क्वायर जो अभी लिया था उसका कुछ अलग ही ले रही हूँ मैं, ठीक है, ये इक्वेशन ले ली। अब हमें इसकी, इस इक्वेशन की सबकी पावर देखनी है, हर नंबर की। जैसे x की पावर है 2, ठीक है, x की यहाँ पे पावर है 1 और इधर x की पावर कुछ है ही नहीं, यहाँ पे क्या लिया मैंने, 0 ले लिया। 2 की पावर कितनी है, 0। इन दोनों में, तीनों में बड़ा नंबर कौन है, ऑब्वियसली 2 बड़ा है, 1 से बड़ा 2 है, 0 से बड़ा 2 है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन की डिग्री हो गई 2। ऐसे ही जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। तो इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। तो ऐसी इक्वेशंस जिनकी हाईएस्ट, जिनकी जो हाईएस्ट, जो जिनकी डिग्री जो होती है वो 2 होती है, उन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। या जिसकी, ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको आगे। अब हम जो है ये ए इज नॉट इक्वल टू 0 वाला मेथड समझते हैं, क्या मैं बोलना चाहती हूँ वो समझते हैं। ए को अगर देखो हम 0 पुट करके देखेंगे तो क्या होगा, ए की जगह अगर मैं 0 रखूँ, 0 रखूँगी तो ए एक्स स्क्वायर, 0 एक्स स्क्वायर सॉरी, बी की जगह 1 कर लो, ठीक है, और सी की जगह कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी, ठीक है। अब बस हमें ए की जगह, मैंने ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि ए की जगह हम क्यों 0 नहीं रखते, क्यों 0 को हम नहीं रखते। देखो ए की जगह 0 रखेंगे ना तो 0 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 जाएगा। बचे ये दोनों, ये हो जब, अब ये मान लो ये है ऐसे, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे इसको मैं 1 हटा दूँ, यहाँ पे देखो x प्लस 4 बचा। क्या अब 0 का तो कोई मैटर ही नहीं, 0 हो जाए ना हो, ख़त्म, 0 तो ख़त्म ख़त्म भाई ख़त्म। अब यहाँ पे ये प्लस है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। इसकी डिग्री है 0, इसकी डिग्री है 1, इसकी डिग्री है 0, इन दोनों में बड़ा है 1, इनकी इसकी पावर, हाईएस्ट पावर या इस इक्वेशन की डिग्री 1 हो गई। मैंने आपको बोला ऐसी इक्वेशन जिनकी डिग्री 2 होती है वही सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 हो, यहाँ पे जो इक्वेशन है उसकी डिग्री 1 हो गई। अब ये तो है ही नहीं, जब 2 ही नहीं है, जब हमारी जो डिग्री 2 आएगी नहीं तो फिर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक कैसे। तो इसलिए हम ए की जगह कभी भी 0 पुट नहीं करते। अगर ए की जगह हम 0 पुट करते हैं ना तो क्या हो जाता है, जो ये आनी होती है ना डिग्री, ये ही ख़त्म हो जाती है जब ये ही नहीं होगी। तो ये इक्वेशन कैसे क्वाड्रेटिक हो गई, है ना, समझ आया क्यों हमने। तो ये इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अभी आगे और समझते हैं, आई होप समझ आ गया होगा अच्छे से। बस इतना याद रखना है ऐसे इक्वेशंस जिनकी, जिनके, जिनकी हाईएस्ट पावर जो होती है 2 होती है, जिनमें सब में बड़ा
जो अपनी इक्वेशंस का राजा जो हो, अगर जिन इक्वेशन में राजा जो हो टू हो, डिग्री पावर हाईएस्ट वाली टू हो, वो इक्वेशंस क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक होती हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये वाली इक्वेशन, पेन मैं चेंज करूंगी, ठीक है, जैसे कि ये वाली इक्वेशंस, ठीक है, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू में 12, ठीक है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि देखो इसकी पावर क्या है 2 और इसकी पावर क्या होगी 1, दोनों में बड़ा कौन है 2, तो इस इक्वेशन की पावर या डिग्री क्या हो गई 2। और मैंने बोला जिसकी डिग्री 2 हो, हमें सिर्फ ना इससे मतलब होता है, अगर सिर्फ मान लो, आगे बताती हूँ, अभी देखो इसमें बड़ा कौन हो गया 2 हो गया, इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई 2 हो गई, तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस और बात ही नहीं करनी, ये ही हो गया, बस इतना समझ आ गया, बस आगे, अब आगे देखते हैं। एक चीज़ और बता देती हूँ, हमें ना सिर्फ इससे ही मतलब होता है, जो मैंने आपको बोला था ना, आगे बताऊँगी कभी, ये वो बता रही हूँ, हमें सिर्फ इससे मतलब होता है, अगर मेरे पास बी एक्स प्लस सी नहीं आया, अगर क्या, अब बताओ ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, माना ही सिर्फ इसकी, इस इक्वेशन की डिग्री यहाँ पे है तो 2 ही ना बच्ची, अगर एक क्लास में एक बच्चा है तो वो ही तो फर्स्ट होएगा, तो बस ये इक्वेशन में बस अगर एक्स स्क्वायर है और इसकी डिग्री तो 2 है ही, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, बस अगर हमें बी एक्स प्लस सी से कोई मतलब नहीं है, ये हो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक, हमें मतलब है सिर्फ हमारी डिग्री जो इक्वेशन हमारे ए एक्स स्क्वायर से, हमारी जो एक्स स्क्वायर से मतलब है, हमारी जो डिग्री है ना सिर्फ हमें 2 से मतलब है, हमें बी एक्स प्लस सी से मतलब ही नहीं है। ठीक है, इतना समझ आ गया, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम समझेंगे, अब इस वाली क्वेश्चन को समझते हैं। देखो ये वाली तो सिंपली दिख भी रही होगी क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ए की जगह यहाँ पे इन्हें पुट कर रखा है 3, तो 3x स्क्वायर प्लस बी की जगह पुट कर रखा है 7x, ठीक है, और यहाँ पे 2, अच्छे से दिख रहा है, समझ आ रहा होगा, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यूज पुट करके आप ये वाली इक्वेशन दे रखी है, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम समझते हैं ये वाली इक्वेशन को, ठीक है, ये वाली थोड़ी अलग है बट हाँ यूनिक है, बट अच्छी है, समझने के लिए बढ़िया है। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 25, ठीक है, अब घबराना नहीं है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है जो हमने 9 में सीखा था, कौन सा भाई, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है, ठीक है, अब यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a हमें गिवन कितना है, a गिवन है x, ठीक है, और b कितना गिवन है हमको यहाँ पे 1, तो पुट करना है a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है, मैं सीधा लिख रही हूँ क्योंकि x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा, माइनस यहाँ पे प्लस b स्क्वायर यानी b क्या है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर ऑब्वियसली 1 होगा, ठीक है, माइनस 2ab यानी कि 2, यानी कि 2 a और b, ठीक है, जो कि होगा 2x, तो ये इक्वेशन आ गई है। अब हमें चेक करना है क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो हम इजीली देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, सबको देखना है कि क्वाड्रेटिक कौन सी इक्वेशन है कौन सी नहीं है, और आई होप अब अच्छे से समझ आ गया होगा कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी नहीं। एक दो और एग्जांपल लेंगे बस, फिर हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। पहला ये वाला देखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ जी क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट डिग्री ऑब्वियसली एक ही है, 2 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इससे नीचे वाली तो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है,
ठीक है, ये वाली आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करना कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, ठीक है। ये वाली भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये सब क्वाड्रेटिक है, नीचे की, नीचे की, ये वाली तो कमेंट बॉक्स में बताना। देखते हैं रिप्लाई आते हैं या नहीं आता। अब ये वाली एक्स क्यूब इक्वल टू, अब इनको समझना है हमें, हमने ये तो समझ लिया कौन सी है कौन सी नहीं, अब कौन सी नहीं है वो भी देख लेते हैं। एक्स क्यूब इक्वल्स टू ज़ीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक है? लीव अ कमेंट बॉक्स, लीव अ कमेंट, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, ठीक है। भले ही इसकी चीज़ की कमेंट करो ना करो, क्योंकि दिख रहा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक होगी, मैंने आंसर बता दिया। इसका कमेंट ज़रूर करना क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। पाँच तक गिनती काउंगी, काउंट डाउन करूँगी, कमेंट कर दो इतने में और फिर मैं बताती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, आई होप कमेंट कर दिया होगा इतनी देर में। तो मैं बताती हूँ ये क्वाड्रेटिक नहीं है, कैसे? क्योंकि इसकी डिग्री है 3। मैंने आपको अभी इतनी देर से एक्सप्लेन कर जा रही हूँ, जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक है, तो ये नहीं है, इसकी डिग्री 3 है, बस सिंपल सा था, ज़्यादा वो कुछ बात वाली बात ही नहीं है, बहुत ही इजीली था आपके लिए आई थिंक। एंड 8x-5=0, क्या ये क्वाड्रेटिक है? जी नहीं है, कोई डिग्री ही नहीं है 2, तो कहाँ से बोलूँ। समझ आया, आ गया। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड अगर अच्छी लगे वीडियो तो शेयर भी कर देना। नेक्स्ट, x4-6x2=0, क्या ये क्वाड्रेटिक है? जी हाँ, मुझे दिख रहा है इसमें 2, ये क्वाड्रेटिक होगी। नहीं जी नहीं, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, यहाँ पे 4 भी तो है, 4 भी है, तो इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 4 हो गई, और मैंने तो बोला जिस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है सिर्फ वो क्वाड्रेटिक होती है, यहाँ पे तो हाईएस्ट डिग्री 4 हो गई, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। दिस इज़ गुड वन, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट था, समझने के लिए बेस्ट था, ठीक है, दिस इज़ गुड, अच्छा था वैसे ही समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, 4x=7, इसमें तो कोई वो ही नहीं दे रखी डिग्री विग्री, तो फिर कैसे बोलने क्वाड्रेटिक है, है ही नहीं। तो बस ये था एक्सप्लेनेशन वीडियो का, आई होप समझ आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो मोटा मोटा निचोड़ इतने सब जो मैंने आपको समझाया से ये निकलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती हैं ऐसी इक्वेशन जिनकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो, ठीक है, जहाँ पे a 0 ना हो, क्यों नहीं हो वो आगे मैंने समझा दिया, ठीक है। और वो इक्वेशंस जिनके अंदर हाईएस्ट डिग्री 2 हो, आई होप समझ आ गया होगा, वेल समझाया मैंने, ठीक है।